الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم हमदो सलात सलाम के बाद मोहतरम मुकर्रम अहबाब ज़िक्र मोहतरम नाज़रीन किराम आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू पेश करनी है वो है रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वबारक वसल्लम के वाज़े इरशादात और अहकामात मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस दौरे हाजिर के अंदर रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी के मौजू से मुतालिक मालूमात जानना भी अज़हद ज़रूरी है। इस वक्त लोगों ने दुनिया कमाने को तो पेश नज़र रखा है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म होने को है, हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म होने को है। हम ये नहीं जानते कि अगर पैसा कम आ रहा है या थोड़ा आ रहा है, आमदनी थोड़ी है तो वो थोड़ी आमदनी हलाल है या हराम है, या अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है और पैसे पर पैसा जमा हो रहा है उसमें भी इम्तियाज नहीं करते कि ये हलाल का है या हराम का है। ये कब फर्क कर सकेंगे? जब हमें ये मालूम होगा कि रिज़्क़ हलाल की कितनी अहमियत है और हराम की कितनी ममानियत है। तो आइए जब हदीसे करीमा की रोशनी के अंदर हम समाप्त करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीयत के फराइज के बाद हलाल रोजी हासिल करना ये फर्ज करार दिया गया है। यानी जो फराइज अदा करने हैं, शरीयत ने हम पर जो चीजें फर्ज की हैं उनके अदा करने के बाद जो सबसे अफजल चीज है वो हलाल रिज़्क़ का हासिल करना हुआ करता है। हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत जसदुन हुज़िया बिल हराम। फरमाया जिस बदन को हराम की ग़िज़ा दी गई वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يغالي المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام। حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب کوئی اس بات کو پروا نہیں کرے گا कि उसने जो माल हासिल किया है वो माल हलाल है या हराम है। हजरत मुहतरम नाज़रीन किराम गौर फरमाएं, की ज़माना गौर की होगी। आज किस बात से कतई नजर, बस कि पैसा आना चाहिए, वो हलाल का है हराम का है ये नहीं पता, वो ज़रिया हलाल है हराम है ये नहीं पता, बस पैसा आना चाहिए। तो जनाब, जब पैसा ही आना चाहिए और हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी और इसी में हराम आया और वो हराम का लुकमा जिस्म में चला गया, तो एक तो रिवायत में फरमाया वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा,
हाल वो है जिसके पेट में लुकमा हराम पहुंचाया जाए, जिस औलाद की खातिर हलाल और हराम की तमीज किए बगैर उनको हराम के पैसे से उनकी आसाइशें पूरी की जाएंगी, तो फिर उस औलाद ने फर्माबरदार नहीं बनना। हजरत मोहतरम हाकिम फरमाते हैं आज हाल क्या है, आज लोगों ने रिश्ते हलाल कमाते हुए, रिश्ते हलाल कमाना भी ऐन इबादत है, आज लोगों ने रिश्ते हलाल कमाने के वो तरीके छोड़ दिए, वो अमानतदारी छोड़ दी, वो दयानतदारी छोड़ दी, वो मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के दर्श छोड़ दिए। आज देखिए, आज जनाब अगर कपड़ा सिलने के लिए दर्जी को दो तो वो उसमें से कपड़ा काट लेता है, कपड़ा गायब कर लेता है। अगर आज रूई काटने वाले को रूई दो तो वो रूई गायब कर लेता है। मैं सबको नहीं कह रहा, जो रिश्ते हलाल कमाते हैं अपने रब से डरते हैं उनका अजर उनके रब के पास है। आज जनाब अगर कपड़ा बुनने के लिए दो तो बुनने वाले ने सूत निकाल दिया, अच्छा जनाब भुरने वाले को दो तो भुरने से जनाब सूत निकाल दिया, इसी तरीके से जनाब जो है वो दूध वाले ने दूध के अंदर से पानी की इतनी मिलावट कर दी। इस तरह के कई जराए हैं जिन्हें आप और मैं जानते हैं इसी मुआशरे के अंदर रहते हुए, तो जिस रिस्क के अंदर हराम की आमीजें शामिल कर ली जाए उसमें कैसे बरकत होगी। आइए सुनिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सरकार ने सलातो सलाम ने फरमाया कि जो ताजिर अच्छा ताजिर था, ये रिवायत हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चे और दयानतदार ताजिर का हशर। इतनी प्यारी हदीस है जो रिस्के हलाल कमाने वाले ताजिर हैं उनके लिए कि सच्चे और दयानतदार ताजिर उनका हशर। फरमाया मान नबीना व सिद्दीकीना व शुहदा, फरमाया अल्लाह ताला सच्चे और दयानतदार ताजिरों का हशर नबियों सिद्दीकों और शुहदा के साथ फरमाएगा। इसी तरीके से एक और रिवायत के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन जो बददियानत ताजिर होंगे, जो दियानत का लिहाज नहीं रखेंगे, फरमाया उनका हशर अल्लाह ताला नाफरमानों के साथ फरमाएगा, मगर जो ताजिर अल्लाह से डरते हुए हराम से बचे, झूठी कसम न खाए और सच बोले तो उसका हशर अल्लाह ताला फाजिरों नाफरमानों के साथ नहीं फरमाएगा। आज तो झूठी कसम खाके माल बेच दिया जाता है, फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाने से माल तो बिक जाता है मगर उसमें बरकत नहीं रहती है। इसी तरीके से हजरत वासिला रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत वासिला बिन अस्कर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स ऐब दार चीज बेचे और उसके ऐब को जाहिर न करे तो वो हमेशा अल्लाह ताला के गजब के अंदर रहेगा और फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे। देखिए आज तो कहते हैं कि पता भी नहीं चला ये नोट चल गया, पता भी नहीं चला ये चीज निकल गई। अगर ऐब दार चीज बेच दी और बेचते हुए जो खरीदने वाला है उसे ना बताया तो कितनी बड़ी बईद है, आप सुन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे तरीकों से महफूज फरमाए। हजरत मोहतरम इसके साथ साथ हराम की आमीजिश के अंदर एक और अहम उंसर जो शामिल है वो है सूद का कारोबार। की जो हराम का एक अहम उंसर शामिल है वो है सूद का, और आज इस माशरे के अंदर कहने को मुसलमान हैं वजा में नसारा तो तमद्दुन में यहूद, तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हालत ये है कि मुसलमान सूदी कारोबार कर रहा है, आज सूदी लेन देन पर हमारी मईशत चल रही है, जहां सूद आम हो, जहां रिश्वत आम हो, जहां जनाब जिना आम हो, जनाब जहां बुराइयां और फहाशियां आम हो, तो
फिर वहां मुख्तलिफ सूरतों में अजाब नहीं आएंगे तो क्या होगा? ये तो फिर भी अल्लाह के नेक बंदों का सदका है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि उम्मत मुस्लिमा फिर भी इन अजाबों के अंदर बहुत बची हुई है। सूर की कितनी सख्त वजह है, अल्लाह ताला कुरान में वाज़े फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदआफ़ मुदाफा, ऐ ईमान वालों सूद ना खाओ। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वालों, सूद देने वालों, सूदी दस्तावेज लिखने वालों और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है और फरमाया कि वो सब के सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह अकबर, सूद लेने वाला भी गुनाहगार है, सूद देने वाला भी गुनाहगार है। आज कर्जों की सूरत बना दी जाती है और कर्जों की सूरत पर सूद का कारोबार किया जाता है। 10,000 कर्जा दे दो, वो 10,000 कहेंगे उस पर हर महीने इतने देते रहो, फिर उसके बाद दोबारा उतरे वापस लौटाओ। वो बेचारा मोहताज, वो तंग दस्त, वो कर्ज का मकरूज जो है वो उस कर्जे में और भी धंसता चला जाता है। मैं कहता हूं ऐसा कर्जा लेते क्यों हो, ऐसे कर्जे लेने से बचो जिसको लेते हुए भी अल्लाह की नाफरमानी सामने आ रही है। उदारा सूद लेने वाला, देने वाला, सूद लिखने वाला, इसके साथ साथ उसके गवाह सरकार इस्लाम ने सब पे लानत फरमाई है। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वसीलुल मलाइका है, हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि सरकार इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि सूद का एक दिरहम अगर जानबूझकर खाए तो उसका गुनाह अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्याज़ुबिल्लाह 36 बार ज़िना करने से ज्यादा हुआ करता है। सोचिए सोचिए, अभी तो इससे अगली रिवायत है, उसको सुनते पढ़ते रोंगटे खड़े होते हैं। हज़रात नाज़रीन किराम, जिसको सुनने के बाद जिस्म का रुआ रुआ खड़ा हो जाता है, तो हमारी सोच के अंदर बात नहीं आती कि सूद कितना बड़ा गुनाह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, सरकार अलैहि सलाम ने फरमाया सूद का गुनाह ऐसे 70 गुनाहों के बराबर है जिनमें सबसे कम दर्जा गुनाह का ये है। मेरी जबान लड़खड़ाती है कहते हुए, बताते हुए कांपती है, पता नहीं लोग कैसे सूद खा लेते, पता नहीं लोग कैसे सूद का कारोबार कर लेते, पता नहीं उनकी आंखें किधर बंद है। फरमाया सबसे कम गुनाह ये है कि आदमी नाउज़ुबिल्लाह अपनी माँ के साथ बदकारी जिना करे, इससे भी बढ़ के ये सूद का गुनाह हुआ करता है। दिल कांपता है, हिम्मत खत्म होती है। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, बस मैं इसी बात के साथ ये अर्ज करना चाहूंगा, खुदारा जो सूद की लानत में गिरफ्तार है इससे बाज आ जाओ, अपने रब से माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। वो जुमला बड़ा अच्छा है कि जब तक सांस है तब तक चांस है, जब तक सांस चल रहा है तब तक तुम्हारे पास मौका है, रब से माफी मांग लो। और अगर सांस रुक गया तो फिर खत्म बात, फिर कहानी खत्म। लिहाजा अपने रब से माफी मांगे, सूदी कारोबार से परहेज करें। मैं अपने हुक्मरानों से भी दरख्वास्त करूंगा, खुदारा ये सूदी निजाम खत्म करो, देखो फिर पाकिस्तान के अंदर कैसे भारे आती हैं, देखो फिर यहाँ कैसे जो है वो मईशत मजबूत होती है, देखो फिर कैसे अल्लाह और उसके रसूल का करम होता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे हालों पर रहम करम फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।